वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो डीसी मूवी अपडेट्स और ऑनेस्ट मूवी डिस्कशंस के लिए मेरे चैनल दास्तान टीवी को सब्सक्राइब करिए। तो एक्वामैन 2 जो इस साल क्रिसमस में रिलीज होने वाली है, तो इसके जो डायरेक्टर हैं जेम्स वॉन, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे ये पोस्ट किया है कि इस मूवी की जो फिल्मिंग है वो ऑफिशियली कंप्लीट हो चुकी है। जी हाँ गाइज, इस मूवी का जो प्री प्रोडक्शन है वो पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। जेम्स वॉन ने एक पिक अपलोड की जिसमें हमें पैट्रिक विल्सन दिख रहे हैं जो किंग ऑर्म का रोल प्ले करते हैं, साथ में जेसन ममोआ दिख रहे हैं जो एक्वामैन प्ले करते हैं, और इन्होंने कास्ट एंड क्रू को शुक्रिया कहा है और ये कहा है कि स्पेशली यूनाइटेड किंगडम का जो क्रू है जहाँ पे 95% मूवी फिल्म हुई है उनको खास करके इन्होंने थैंक यू बोल रहा है। अब गाइज इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके की ही सिटीज़ में डीसी की मोस्ट मूवीज़ फिल्म हो रही हैं। फ्लैश भी वहीं फिल्म हुई, और लोगों का ये कहना था कि जो गैल गैडोट हैं उन्होंने भी यूनाइटेड किंगडम विजिट किया था कुछ टाइम के लिए, जहाँ से ये स्पेकुलेशन आई थी कि वो फ्लैश मूवी में कैमियो कर सकती हैं। तो गाइज हो सकता है कि एक्वामैन 2 में हमें जस्टिस लीग के बाकी मेंबर्स का भी कैमियो देखने को मिले। एक्वामैन 2 जो क्रिसमस में रिलीज हो रही है, आई डोंट थिंक कि वार्नर ब्रदर्स इसकी रिलीज डेट को टालेगा, और ये क्लैश हो रही है डिज्नी की अवतार 2 के साथ। हम जानते हैं कि डिज्नी की कोई भी मूवी रिलीज होती है तो उसके सामने जो मूवी लगी होती है तो क्रिटिक्स, ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स उसको नेगेटिव रिव्यू ही देते हैं। तो हो सकता है कि एक्वामैन 2 को भी ये क्रिटिक्स, ब्लॉगर्स, यूट्यूबर्स नेगेटिव रिव्यू दें, लेकिन आई स्टिल थिंक एक्वामैन 2 के पास वो पोटेंशियल है कि वो अवतार 2 को बॉक्स ऑफिस पे बीट कर सकता है। तो मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो गाइज़ क्या आप एक्साइटेड हैं एक्वामैन 2 के लिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और डीसी फैन है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।